1 अगस्त से शुरू किए गए गरीब को अन्न पखवाड़ा के संबंध में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने सोमवार को अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि शासन के निर्देशानुसार खाद्य एवं रसद विभाग की राष्ट्रीय सुरक्षा योजना के अंतर्गत यह पखवाड़ा मनाया जा रहा है। पखवाड़ा मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि पात्र व्यक्तियों को उनका राशन आसानी से मिल सके। डीएम ने बताया कि राशन वितरण प्रणाली के निगरानी के लिए अधिकारियों की 18 सदस्यीय टीम गठित की गई है जो वितरण प्रणाली पर नजर रखेगी। डीएम ने बताया कि अगले महीने से ग्रामीण क्षेत्रों में भी आधार कार्ड के आधार पर राशन का वितरण किया जाएगा जिसमें वितरण मशीन से आधार का लिंक होना जरूरी है, इसलिए सभी पात्र व्यक्ति अपने राशन कार्ड की फीडिंग आधार कार्ड से करा लें जिससे राशन लेने में उन्हें कोई दिक्कत न उठानी पड़े। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने बताया देखिए ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है पूरे प्रदेश में, उसके गरीब को अन्न पखवाड़ा है उसी के रूप इसलिए दिया गया है जो अभी तो पिछले आपको जानते होंगे जो अभी आधार से राशन कार्ड को लिंक हुआ है, लिंक करने के बाद काफ़ी संख्या में जो अपात्र लोग छट गए हैं उसको अच्छा खासा जगह मिल गया। मान लीजिए गोरखपुर जनपद में 50 लाख के करीबन जनसंख्या है, इस पर 50,000 कार्ड अभी और बनाने के लिए अभी जगह मिल गया है ताकि अपात्र लोग का फिल्टर हो गया है। अब उस पर हम लोग अभी तो मोटा मोटा गोरखपुर का जो मैं आंकड़ा बताने चाहता हूँ, यहाँ अंत्योदय कार्ड यहाँ 1,26,392 अंत्योदय कार्ड जारी है, उस पर राशन भी बटता है। और पात्रग्रस्ती कार्ड पहले उसका नाम BPL होता था वो तो 5,89,792 इतने कार्ड अभी हम लोग के पास अभी जारी है, इस पर वितरण चल रहा है। अभी जो तकरीबन 2 महीने पहले एक नया सिस्टम चालू हुआ है शहरी इलाका में पोस्ट मशीन के माध्यम से जो वितरण का प्रकरण, यहाँ तो पूरे जनपद में 1,998 राशन दुकान है, उसमें शहरी इलाके में कितने दुकान हैं उस पर ई पोस्ट मशीन के जरिए से बांटना हम लोग चालू कर दिए। पिछले महीने यानी 2 जुलाई महीने में 93% हम लोग का जो वितरण है शहरी इलाका में पूरा ई पोस्ट मशीन से जारी हुआ है। ग्रामीण इलाके में अगले महीने से हम चालू करेंगे, उसका मशीन भी हम लोग का आ गया है। अब ये पखवाड़ा मनाने की एक ही उद्देश्य है जो अभी भी पात्र लोग कितने छूटे हुए हैं उन लोग कृपया करके जो लोकवाणी केंद्र जन सुविधा केंद्र नहीं तो जो FCA के अपने जो साइट है जो खाद्य विभाग का उस पर जा करके आपने रजिस्टर करा सकते हैं, बट ज़रूर उस पर आधार का डिटेल दे दीजिएगा ताकि इसके बाद एक प्रोसेस होता है सीडिंग, पहले तो फीडिंग कराना होता है उसके बाद सीडिंग होता है, यानी जो आपका जो डेटा कितने हैं वो सारे आधार डेटा से मैच होना चाहिए था तब ये पोस्ट मशीन काम करेगा तब आपको राशन मिलेगा। इसलिए जो शब्द आप यूज़ करते हैं जो वर्ड्स है जो शब्दावली है आपका आधार कार्ड में दिया हुआ है वो सेम शब्दावली आप भरा दीजिए फॉर्म में, नहीं तो भिन्नता होने के समय में तो फिर आपका राशन मिलने में दिक्कत होगी। इसलिए जो फॉर्म आप ऑफलाइन भी भरा करके हमें जमा कर सकते हैं, मेरा कार्यालय में जमा कर सकते हैं, ब्लॉक में भी जमा कर सकते हैं, तहसील में जमा कर सकते हैं, DSO कार्यालय में जमा कर सकते हैं, उसके इकट्ठा करते हुए हम लोग 15 दिन ये पखवाड़ा मना रहे हैं। इसमें कितने भी पात्र व्यक्ति अभी छूटे हुए हैं उन लोगों को हम शामिल कर देंगे अगले महीने से ताकि पोस्ट मशीन से बटने का जो योजना प्रारंभ हो जाएगा जो उसमें भी जो कितने अपात्र और छटवाएंगे फिर उसके बाद उस हिसाब से भराएंगे। और आंकड़ा मैं मोटा मोटा बताने चाहता हूँ, एक केंद्र सरकार का योजना थी राज्य सरकार दोनों मिलकर चलाती है PDS योजना है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम योजना, उसका अंदर 79% हमें राशन से आच्छादित करना है ग्रामीण इलाका में जो कितने जनसंख्या उस हिसाब से, अभी हम लोग 64% आच्छादित करा चुके हैं, अभी हम लोग के पास ठीक ठाक बचा है जगह, और वो जो शहरी इलाका में हमें 64% करना चाहिए था अभी हमारे पास 55% 55% ही राशन अभी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है मतलब राशन कार्ड बना हुआ है। अभी इसमें भी तो लगभग 10% हम लोग का मार्जिन है, इसमें कितने जो शहरी गरीब लोग हैं और ग्रामीण गरीबी लोग हैं वो सब लोग का हम लोग शामिल कर सकते हैं, उसका हम लोग सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट भी बांट रखा है ताकि राशन डीलर के पास जो सूची है उसके एक बार सत्यापन भी करेंगे इसी दौरान 15 दिन के एक बार, ताकि इस पर यदि व्यक्ति मान लीजिए लंबे समय से बाहर है नहीं तो किसी का मृतक हो गया है कोई परिवार रहता नहीं है उसको भी काम कार्ड हम छटवा देंगे, उसके बदलाव में जो वहाँ गाँव में जो गरीब लोग मिलते हैं उनको भी नाम शामिल कर देंगे, यही योजना है। ये पखवाड़ा 15 दिन चलेगा। सर गांव में लगा सर्वर का प्रॉब्लम हो रहा है, कई जगह राशन दुकानों में सर्वर की वजह से लोग वापस चले जाते हैं, उसके लिए भी कोई व्यवस्था करने का? देखिए इसलिए तो हम लोग नोडल ऑफिसर भी लगा रखा है इस बार, तो इस पर जो कितने अनियमितता भिन्नता है कहाँ कहाँ आप सही कह रहे हैं, जो कुछ दुकान अटैचमेंट भी चल रहा है मान लीजिए तो सालों साल कहीं दुकान भी अटैच रहे करीबन 30 दुकान ऐसे है उसका भी चुनाव का डेट हम लोग फिक्स करा दिए, ये 15 दिन के बीच में हम लोग कितने दुकान ऐसे टेम्परेरी अटैचमेंट में चल रहा है
और किसी ने किसी वजह तो दुकानदार चला नहीं पाया, उसको नया सीरी से चेंज भी करेंगे नया दुकान को, और कहाँ कहाँ अटैचमेंट है उसको भी समाप्त करते हुए फिर वहाँ का भी चुनाव करा देंगे, करा करके उसको जो कितने अनियमितता है उसको देखिए। खासतौर पर इस पर ग्रामीण इलाके में कुछ दिक्कतें हैं उस पर, खासतौर पर मान लीजिए लेबरी वर्ग है, उन लोग काम करने के बाद तो फिर उन लोग का जो फिंगरप्रिंट है उतने क्लियर नहीं आता है, इसलिए आईरिस भी लेते हैं। अभी देखिए ग्राम शहरी इलाका में अभी 93% इसलिए आपको बताया, शहरी इलाका में तो मतलब शिकायत तो ना के बराबर आया है, ग्रामीण इलाका में अगले महीने से जाने के बाद जो शिकायत आता है उसी हिसाब से हम लोग उसको निस्तारण भी करेंगे, ताकि इसके वैकल्पिक जो ओवरराइड मास्टर ओवरराइड जो ऑपरेटर के पास रहता है हम लोग के पास रहता है, इनकेस पात्र व्यक्ति है उनका किसी न किसी वजह उनका फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा उसको दूर करने का अधिकार हम लोग के पास है, शासन को भी रेफर करके सही करते हैं, ओवरराइडिंग उसको कर सकते हैं, उसको कोई इशू नहीं, उससे कोई इशू नहीं। शुरुआत में ये दिक्कतें हो सकता है, मान लीजिए कोई विकलांग है, मान लीजिए दोनों पैर नहीं है उसको, फिर जो मतलब दोनों हाथ नहीं है उसके पैर का अंगूठी से होता है वो भी इतने क्लियर नहीं आता है, विकलांग के लिए जो आधार कार्ड का मना कर रखा है उसका ऑप्शन है, उस पर ओवरराइडिंग ऑप्शन है। ग्रामीण इलाके में अब देखिए जो हमारा जनपद तो करीबन 80% हम लोग आधार कार्ड से लिंक हो चुके हैं और 55% हम लोग उसको सीडिंग भी करा चुके हैं, यानी आधार से लिंक हो चुके हैं, अभी भी हम लोग का 20% जो मार्जिन है वो बचा हुआ है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं, ताकि जो हम लोग राशन कार्ड किसी को रोकना उचित नहीं है बट हम प्रयास कर रहे हैं ताकि तो आधार से लिंक हो जाए, अब एक दो महीने के बाद यदि इन लोग आधार कार्ड नहीं देंगे तो फिर हम लोग राशन बंद करने की स्थिति पे आ जाएंगे, इसलिए तो मोटिवेट कर रहे हैं इस अभियान के तौर से भी सारे आधार से लिंक हो जाएं, ताकि इससे बहुत अपात्र मिलते हैं, मान लीजिए एक परिवार में मान लीजिए मुखिया के नाम से है सदस्य के नाम से, वही सदस्य तो दूसरे राशन कार्ड में मुखिया के नाम से आता है, उसी टाइप का कार्ड ही बहुत चट गया, इसलिए तो 50,000 अभी मार्जिन हम लोग को मिला है जो राशन कार्ड, ये सारे अपात्र का जो काटने के बाद डुप्लीकेसी कितने अपात्र कितने वो काटने के बाद मिला है मार्जिन।